आकाशवाणी जलंधर। खबरों इस बुलेटिन के नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलमी खुराक से पोषण सुरक्षा यकीनी बनाने किसानों का डिजिटल ते नवेकलियां तकनालोजियां नाल शक्तिकरण करने ते जोर दिता है। मौसम विभाग ने राजस्थान विच अज ते कल जोरदार हवावां नाल भारी मीह पैण की चेतावनी जारी की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले विच कंट्रोल रेखा नाल दहशतगर्दां ते सांझे सुरक्षा दलों विचकार गोलीबारी मुकाबले विच पंज विदेशी दहशतगर्द मारे गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन दौरे ते अज तिरके जे हैदराबाद पहुंचणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भोजन और पौष्टिक सुरक्षा को यकीनी बनाने लई किसानों के डिजिटल नवीनतम तकनीकों नाल शक्तिकरण करने ते जोर दिता है। उन्होंने अज हैदराबाद विच हुई खेतीबाड़ी मंत्रियों की मीटिंग विच G20 डेलीगेट्स नूं एक वीडियो संपर्क राही संबोधन किया। देश के तजर्बे नूं सांझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक नीति की पालना कर रहा है, मूल गल्लां वल वापस जा रहा है, भविष्य विच तकनालोजी ते पशु पालन नूं शासकां लई अगे वध रहा है। उन्हां कहा कि भारत विच किसान खेती अते स्रोतां नूं अनुकूल बनाउण लई सूरजी ऊर्जा की वरतों कर रहे ने। उन्होंने मिट्टी की बेहतर सेहत अते होर अभ्यासां नूं अपनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने डेलीगेट्स नूं विश्वव्यापी खुराक सुरक्षा लई समूहक पहुंच अपनाउण दी भी अपील कीती है, जो टिकाऊ ते समावेशी ने। G20 के खेती मंत्रियों की मीटिंग के दूजे दिन के विचार वटांदरे विच वर्किंग ग्रुप के सुझावों बारे होर चर्चा की जाएगी, बल्कि भी मीटिंग जारी रहेगी। मैंबर अते सदे गए देशां अते खेती खोज दी अंतरराष्ट्रीय संस्थावां दे लगभग 200 डेलीगेट्स इस मीटिंग विच हिस्सा लै रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार तो शुरू होने वाले अमरीका अते मिसर दे 6 दिन दौरे ते जाणगे। अपनी अमरीकी फेरी दौरान श्री मोदी इस महीने की 21 तरीक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दफ्तर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जश्न की अगवाई करेंगे। प्रधानमंत्री इस तो बाद वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जिथे अगले दिन व्हाइट हाउस में उन्हों का रस्मी स्वागत किया जाएगा ते राष्ट्रपति जोसेफ नाल ओ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडन ते फर्स्ट लेडी डॉ जिल बाइडन उसे शाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक रात के खाने की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री अमरीकी कांग्रेस की सांझी बैठक नूं भी संबोधन करेंगे। 23 जून प्रधानमंत्री अमरीका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ते अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वालों सांझे तौर ते मेजबानी वाले दोपहर के खाने विच शिरकत करेंगे। अधिकारिक जीएमए तो अलावा प्रधानमंत्री प्रमुख सीओज पेशेवर होर हिस्सेदार कई तरह की गलबात करेंगे। भारतीय भाईचारे के मैंबर नाल भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दूजे पड़ाव में श्री मोदी इस महीने की 24 तरीक को काहिरा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख दफ्तर में इस महीने की 21 तरीक को 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके योग सैशन की अगवाई करेंगे। एक ट्वीट में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें प्रधान कसाबा करोसी ने भी श्री मोदी के नाल इस समागम में हिस्सा लेने लई अपनी उत्सुकता का प्रगटावा किया है। मौसम विभाग ने चक्रवात बिपरजोए के प्रभाव कारण अज अते कल राजस्थान के कई जिलों में तेज हवावां दे नाल भारी तो बहुत भारी मीह पैण की चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान के अज गुजरात तो डूंघे दबाव नाल राज विच दाखल होने की संभावना है। जयपुर के मौसम विभाग केन्द्र ने अज बाड़मेर ते जलौर जिले में तेज हवावां दे नाल बेहद भारी बारिश लई रेड अलर्ट जारी किया है। इस तों अलावा जोधपुर पाली जैसलमेर उदयपुर ते सिरोही जिले लई तेज हवावां नाल भारी मीह की चेतावनी भी जारी की गई है। चक्रवात के प्रभाव कारण भलके बाड़मेर ते जोधपुर विच तेज हवावां दे नाल बेहद भारी बारिश लई रेड अलर्ट जारी किया गया। अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद सिरोही उदयपुर जलौर अते पाली जैसलमेर उदयपुर अते सिरोही जिलों लई तेज हवावां नाल भारी मीह की चेतावनी भी जारी की गई है। चक्रवात के प्रभाव कारण भलके बाड़मेर ते जोधपुर विच तेज हवावां दे नाल बेहद भारी बारिश लई रेड अलर्ट जारी किया गया। अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद सिरोही उदयपुर जलौर अते पाली लई भी अलर्ट जारी किया गया। चेतावनी के मद्देनज़र आफत प्रबंधन विभाग ने सारे संबंधित जिलों नूं चौकसी ते रखा। मुलाजमां ते अधिकारियों दीआं छुट्टियां रद्द कर दित्तियां गईआं ते उन्हां नूं कई जिलों विच मुख दफ्तरां विखे ही रहण दे निर्देश दित्ते गए ने। 7 जिलों विच SDRF तैनात की गई है, जदकि NDRF की टीम अजमेर विच तैनात की गई है। सारे जिलों विच कंट्रोल रूम कायम किए गए ने। आफत समय प्रबंध बारे विभाग की फौज अते हवाई सेना नाल लगातार संपर्क विच रहणगे। नागरिकां नूं अगले 2 दिनां तक घरां विच रहण दी सलाह दित्ती गई है।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कल शाम गुजरात में टकराने के बाद कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर जिले में तेज हवावां नाल भारी मीह पिया। 500 तो वध दरख्त और बिजली के खंभे पुटे गए हैं। हालांकि कई थावां ते मरम्मत का काम शुरू हो गया। एनडीआरएफ वालों सड़कों साफ किया जा रहा। राहत कमिश्नर लोक कुमार ने देर रात को जानकारी देते हुए दस्या कि राज सरकार की सावधानी के चलदे देर रात तक कोई वड्डा जानी नुकसान नहीं होया। चक्रवात के मद्देनजर अहमदाबाद समेत होर शहरों में स्कूल ते कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जदों कि सौराष्ट्र ते कच्छ में हालात आम वांग हुण तक छुट्टियां वधा दित्तियां गईआं ने। जमीन खिसकण तो बाद कच्छ के अंजार नलिया बचाऊ गांधीधाम मुंदरा नखतराणा में दरमियानी तो भारी बारिश हुई है। चक्रवात की स्थिति देखते हुए मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात समेत खेतरां में भारी तो बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय इस सवेरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करेंगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाली इस रेडियो प्रोग्राम का 102वां अंक होगा। श्री मोदी ने प्रोग्राम लिए नागरिकों से सुझाव मंगे ने। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिक तो सुझाव प्राप्त करना हमेशा खुशी की गल रही है। दूरदर्शन ते आकाशवाणी नूं राइटर्स इंस्टीट्यूट दी डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 मुताबक देश विच सब तो वध भरोसे योग मीडिया संस्था चुनिया गया। यह रिपोर्ट विच कहा गया कि खबरां विच समुचे तौर ते भरोसे विच 3% अंकां दी ममूली गिरावट दे बावजूद लोक प्रसारकां ते पुराने प्रिंट ब्रांड्स ने मुकाबलतन ज्यादा भरोसा बरकरार रख्या है। सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह श्री अकाल तख्त साहिब के नवे जत्थेदार होंगे। उन्होंने ज्ञानी हरप्रीत सिंह की थां ते नियुक्त किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अज अमृतसर विच हुई एक मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया। ज्ञानी रघुवीर सिंह इस वेले तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ने। तख्त श्री केसगढ़ साहिब का नवा जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह नूं लाया गया है। कश्मीर घाटी विच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले विच जुमा गुंड खेत्र विच कंट्रोल रेखा के नाल अतवादियों नाल सांझे सुरक्षा बलों दरमियान रात समय हुई गोलीबारी विच सुरक्षा दलों ने 5 विदेशी दहशतगर्दों नूं मार दिता। यह मुकाबला कुपवाड़ा पुलिस द्वारा प्रदान की गई खास सूह के आधार से शुरू होया। इस दौरान आखिरी रिपोर्ट आने तक इलाके विच तलाशी मुहिम जारी सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन दौरे चिरके जे हैदराबाद पहुंचे। वह भलके सवेरे डूंडीगल विखे एयरफोर्स अकैडमी में सांझी ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा करेंगे। हथियारबंद फौजां दे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू अज शाम बेगमपेट हवाई अड्डे ते पहुंचणगे ते हैदराबाद के राजभवन विच रात ठहरणगे। परेड तो बाद राष्ट्रपति मुर्मू कल सवेरे दिल्ली लई रवाना होणगे। उह भारतीय जल सेना के साहली गार्ड के अधिकारियों ते दोस्ताना देशों के कैडेटां नूं विंग्स अते ब्रेवेट्स प्रदान करनगे। इन्हां नूं एयरफोर्स अकैडमी में सिखलाई दी गई है। समारोह में कई जहाजों द्वारा हवाई विखाला भी करना शामिल है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने अज राजभवन पटना में प्रबंध किए गए एक समारोह में नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा नूं सहुं चुकाई। जनता दल यू के विधायक रत्नेश सदा अकले मंत्री ने जिन्हां नूं अज नीतीश मंत्रीमंडल के विस्तार में शामिल किया गया है। जकार्ता विच खेडे जा रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विच मर्दां दे सिंगल्स दा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत दे किदांबी श्रीकांत ते चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी ली शिफिंग विचाले हुण चल रहा है। मर्दां दे सिंगल्स दे होर क्वार्टर फाइनल मैच विच अज भारत दे एचएस प्रणय दा मुकाबला जापान दे कोडाई नाराओका नाल होएगा। भारत दी डबल्स विच सात्विक साई राज रानकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी ते मुहम्मद रियान आर्डिनेटो और फजर अल्फियन की इंडोनेशियाई जोड़ी विचकार क्वार्टर फाइनल मैच हुण तो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। आखिर विच खास खबरां एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलमी खुराक ते पोषण सुरक्षा यकीनी बनाने किसानों का डिजिटल ते नवेकलियां तकनालोजियां नाल शक्तिकरण करने ते जोर दिता है। मौसम विभाग ने राजस्थान विच अज ते कल जोरदार हवावां नाल भारी मीह पैण की चेतावनी जारी की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कंट्रोल रेखा नाल दहशतगर्दों ते सांझे सुरक्षा दलों विचकार गोलीबारी मुकाबले में 5 विदेशी दहशतगर्द मारे गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिन के दौरे ते अज चिरके जे हैदराबाद पहुंचणगे। इस दे नाल ही आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।